नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। कंस्ट्रक्शन लाइन में आपका कैसे आना हुआ, कौन लाए आपको? कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर मेरे एक मित्र थे चित्तौड़ के, उनका काम चल रहा था। तो मैंने जब उनको कहा था कि यार पुलिस की नौकरी मेरे को रास नहीं आ रही है, मतलब यहाँ जो पुलिस के अंदर क्या कथनी और करनी के अंदर बहुत फ़र्क है। और लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी एक्यूज्ड को पकड़ने की बजाय उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए उसके परिजनों को जो झूठा उसमें फंसाते हैं मुकदमों के अंदर, तो वो मेरे दिमाग के अंदर काफ़ी मतलब आक्रोश था उसको लेकर के। तो फिर मैंने कहा भाई ये पुलिस की नौकरी करूँगा नहीं मैं। जिस पुलिस ने मेरे निर्दोष परिजनों को फंसाया है उस पुलिस के अंदर नौकरी मैं नहीं करूँगा, ये रूट कॉज था। फिर कैसे सीडी पकड़ी आपने, नया काम? मेरे मित्र ने मेरे को कहा कि जब आप नौकरी नहीं कर रहे हो अब आप क्या करोगे? तो मैंने कहा यार पढ़ाई करेंगे, वापस पढ़ाई चालू करेंगे। तो उसने कहा पढ़ाई भी करना और मेरे कुछ काम चल रहे हैं ठेकेदारी के, तो एक आध कोई रोड का काम मैं आपको दे देता हूँ तो आपको करूँ। तो उन्होंने मेरे को चित्तौड़ के अंदर काम दिए थे, चित्तौड़ जिले के अंदर बादसोड़ा जो गाँव है ना, बादसोड़ा गाँव की जो रोड है उस समय मीठा लाल जी जो मेहता थे वो चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, वो रोड कई सालों से बन नहीं पा रही थी। मीठा लाल जी मेहता जब डिविजनल कमिश्नर उदयपुर थे तब से वो उनकी छात थी ये रोड बने गांव के अंदर, पर उस रोड के ऊपर 14 जगह पे स्टे लगे हुए थे और कोई भी कॉन्ट्रेक्टर काम करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने वहाँ रहते हुए मेरा कोथड़ा रोड का काम चल रहा था, तो मेरे को एक्शन साहब ने कहा कि इस रोड का राव साहब आप काम करवा सकते हो। मैंने कहा करवा सकते हैं, तो फिर आप टेंडर डालो इसके लिए, और वो टेंडर डाला एबो में, मेरे को काम मिला था वो मेरे मित्र के नाम से, फिर वो काम मैंने एग्जीक्यूट किया था। तो कोथड़ा रोड मैंने बनाया था, बादसोड़ का पूरे गांव का रोड मैंने बनवाया था उस समय, और उसके बाद में मैंने बोजुंदा सावा का रोड बनवाया। उस समय उदयपुर जिले के अंदर सबसे बड़ा रोड का काम वही था 96 के अंदर, वो करीब आप मान लो उसकी मंजूरी निकली थी और 97 में हमने वो काम करवाया था। तो करीबन 70 लाख रुपए का काम था उस समय और 13 किलोमीटर लंबी रोड थी, मेंस रोड। फिर आपने खुद अपने खुद के लाइसेंस आपने कब बनवाया, मतलब आपने अपना रजिस्ट्रेशन कब करवाया? बाद में जब मैंने बोजुंदा सावा का रोड का काम किया तो मैंने मेरे मित्र को कहा, मैंने कहा यार जब ये काम कॉन्ट्रेक्टरशिप का करना है तो मैं रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूँ। तो उसने कहा भाई ये फॉर्मेलिटी आप पूरी कर दो, तो वो फॉर्मेलिटी पूरी कर दी जो भी, और मैंने सी क्लास में मेरा रजिस्ट्रेशन करवाया था पीडब्ल्यूडी के अंदर, और उसके बाद में मेरा सी क्लास के अंदर मार्केटिंग बोर्ड के अंदर भी करवाया मैंने, दोनों जगह रजिस्ट्रेशन करवा के और दोनों जगह मैंने काम किए थे। उसके बाद में सी के बाद में मैं बी क्लास में आया, बी क्लास से मैं ए क्लास में और ए क्लास से मैं डबल ए क्लास में आया। तो एक सी क्लास कॉन्ट्रैक्टर से लेकर एक डबल ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर तक की जो यात्रा है, कितना स्ट्रगल था ये? मैंने स्ट्रगल जैसा इसको कहीं भी किसी भी एंगल से महसूस नहीं किया जी। काम को काम के हिसाब से मैं कर रहा था, और बड़े मतलब जैसे आप दिलगी से उत्साह से तन्मयता से कोई काम करते हैं ना, तो कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम है उसमें अपन कोई ऑब्स्टिकल जैसा फील नहीं कर रहे थे, मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया। कॉन्ट्रैक्टरशिप में आप एक मुकाम तक पहुंचे हैं, आप इस एसोसिएशन के अध्यक्ष कैसे चुने गए, ये चुनाव लड़ने का कैसे ख्याल आया? कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अंदर उदयपुर के अंदर जब इलेक्शन हो रहे थे तो मैं उस समय बॉम्बे के अंदर था। बॉम्बे में मेरे पास में मेरे मित्र हैं, उनका फ़ोन आया कि साहब इलेक्शन हो रहे हैं उदयपुर के अंदर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अंदर और आपको उदयपुर आना है। तो मैंने कहा मेरे को बॉम्बे में काम है 2-3 दिन, तो उन्होंने कहा आप अर्जेंट में आओ। तो मैंने कहा यार अर्जेंट में आने का क्या मतलब है? बोले यार आप इलेक्शन लड़ो। मैंने इलेक्शन लड़ेंगे उसलिए पूरी तैयारी चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप आ जाओ, सब लोग कह रहे हैं कि भी आपको बनाना चाहते हैं अध्यक्ष। तो मैंने सब कह रहे थे मेरे को क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे अध्यक्ष? बोले निर्विरोध आपको बनाएंगे। तो मैं फ्लाइट से उदयपुर आया, यहाँ आया लोगों ने सबने कॉन्ट्रैक्टर्स ने कहा कि भाई हम आपको निर्विरोध अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, किसी ने फॉर्म भरा नहीं, चुनाव अधिकारी ने मेरे को निर्विरोध जो है अध्यक्ष घोषित किया। उसके बाद में जो कार्यकारिणी जो थी उसके चुनाव होने थे, वो निर्विरोध नहीं हुई कार्यकारिणी। इसी दरमियान कुछ जो आपको पता हर जगह असामाजिक तत्व होते हैं,
कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे, उन्होंने मेरे निर्विरोध चयन को कोर्ट के अंदर चैलेंज किया। तो कोर्ट के अंदर चैलेंज किया कि भाई इनका जो निर्विरोध जो है बनना, इसको जो आप है खारिज करें। तो कोर्ट के अंदर मैंने भी मेरा वकील खड़ा किया, मैं स्वयं भी गया था, पूरी परिस्थितियाँ और अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा। तो कोर्ट ने मना कि आपका जो निर्विरोध जो चयन हुआ है ये पूरी तरह से लीगल वे के अंदर हुआ है, इसलिए उसको जायज ठहराया। तो कोर्ट ने कहा कि भाई अध्यक्ष को छोड़ करके बाकी कार्यकारिणी का जो है इलेक्शन कराया जावे। मैं निर्विरोध अध्यक्ष बना उदयपुर जॉन कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का, जिसके अंदर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और राजसमंद ये शामिल है जिले, मैं जॉन का अध्यक्ष बना। हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की जो रजिस्टर्ड जो यूनियन है ना, वो पूरे संभाग की है, तो संभाग का यूनियन का मैं अध्यक्ष बना था। इसका कार्यकाल कब से कब तक का है? इसका कार्यकाल तो 3 साल का था, परंतु उसके बाद में लोग चुनाव करने नहीं दे रहे हैं, और इन साहब सब व्यवस्थित चल रहा है, क्यों चुनाव करा मैं? तो आपका कार्यकाल कितना हो गया अभी तक? अभी मेरा 8 साल होने वाले हैं। 8 साल से आप अध्यक्ष बने? हाँ, 8 साल से मैं अध्यक्ष हूँ। और इसी दरमियान जो यूनाइटेड फोरम जो राजस्थान की जो थी कॉन्ट्रैक्टर्स की, पूरे राजस्थान के सभी संभाग और जिलों की, उसके अंदर 2012 के अंदर जयपुर के अंदर जो समस्याओं को लेकर के जो कॉन्ट्रैक्टर्स की जो एजिटेशन जो था, उस एजिटेशन के दौरान वहाँ पे यूनाइटेड फोरम बनाई और उसके अंदर ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के नाम से सभी कॉन्ट्रैक्टर्स जो है उन्होंने एक यूनियन बनाई थी। उस यूनियन के अंदर मेरे को वहाँ पर प्रदेश संयोजक बनाया राजस्थान का। तो 2012 से मैं राजस्थान कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का प्रदेश संयोजक भी हूँ। पिछले साल सरकार ने काफ़ी जो बजट है वो सेंसर नहीं किया था, लोगों ने काम तो करवाए थे, ठेकेदारों ने कई काम करवाए थे और पैसे जो है उनको मिले नहीं थे, समय काफ़ी गुजर गया था, काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। इसके लिए हमने समय समय पर एजिटेशन किया है और जयपुर के अंदर भी हमने एजिटेशन किया है और करीब 4,900 करोड़ रुपए हमारे एजिटेशन की वजह से जो है ठेकेदारों के रिलीज हुए हैं अब तक। अभी भी समस्या बनी हुई है पेमेंट की? तो समस्या है कि पिछली सरकार ने, जब सरकार, आपको पता है कि जब चुनाव का टाइम होता है ना, तो आनन फानन के अंदर बहुत सारे टेंडर्स वगैरह लगा देती है गवर्नमेंट, आपको पता है ऐसा होता है हमेशा, हर सरकार के टाइम में होता है। उसकी वजह से जो है फाइनेंशियल जो है डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन नहीं हो पाया, और फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होने की वजह से ये इस जो है पेमेंट जो है इसकी किल्लत का कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है सामना करना पड़ा है राजस्थान के। डबल ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर आप है, तो उस काम को कैसे देख रहे हैं, उसमें कितनी आजकल आप समय दे रहे हैं? उसके लिए मैं समय देता हूँ, पर वो भी आप ये मान लें कि मैं मेरे जो स्टाफ वगैरह है, मैनेजमेंट है, उसके थ्रू जो है सुपरविजन करवाता हूँ, और मेरी जो मॉनिटरिंग है वो तो है ही, तभी तो बिजनेस चलेगा। पर मैं बहुत, मतलब आपको बता देता हूँ कि मैं अति महत्वाकांक्षी नहीं हूँ, इतना मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। मेरी मशीनरीज भी है काफ़ी मेरे पास में, करीबन आप मान लें कि 70-80 के आसपास मेरे पास में ट्रैक्टर, डंपर, पॉकलैन, ग्रेडर, मतलब पेवर, रोलर, सारी मशीनरीज है मेरे पास में। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में जो काम आती है रोड सेक्टर के अंदर, काफ़ी मशीनें मेरे पास में, कंक्रीट के आरएमसी प्लांट भी है मेरे पास में 2-3, वो किराए भी देता हूँ मैं, और जॉब वर्क भी लेता हूँ ज़्यादातर जॉब वर्क, और रेंटल के लिए अभी हम कर रहे हैं, जब जॉब वर्क कम कर दिया तब रेंटल के काम कर रहे हैं, जब से ये GST वाला जो हुआ है ना, तो उसके बाद में हमने रेंटल का भी किया है।